बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल यह है कि क्या मियां बीवी हम बिस्तरी के बाद फौरन कुछ खा पी सकते हैं या नहीं खा पी सकते। तो इस सिलसिले में जवाब अर्ज ये है कि मियां बीवी हम बिस्तरी के फौरन बाद खा पी सकते हैं, इसमें शरीयत की तरफ से किसी किस्म की कोई ममानियत नहीं है, खा पी सकते हैं। लेकिन डॉक्टरी नजर से, हुकमा की नजर से और अतिबा की नजर से ये बताया जाता है कि दोनों हम बिस्तरी से फारिग हों तो फौरन में उन्हें कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। खसूसन ऐसा होता है कि उस वक्त जिस्म में हरारत होती है, गर्मी होती है, तो उस वक्त खाने पीने की ठंडी चीज, खाने पीने की तलब ज्यादा होती है। तो उस वक्त अतिबा कहते हैं कि ठंडा पानी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठंडा दूध भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठंडी आइसक्रीम वगैरह इस तरह का कोई भी मतलब आप शेक ले लें वो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। उससे नुकसान क्या होता है? उससे नुकसान ये होता है, अतिबा फरमाते हैं, एक तो दमे की बीमारी का बहस बन सकती है, दूसरा सांस की नालियों का इफेक्ट हो सकता है, तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। दूसरा ये है कि ब्लड प्रेशर का भी मसला हो सकता है, एक जिस्म में हरारत और गर्मी है और आप ऊपर ठंडा डाल रहे हैं, तो इस वजह से ये बना है। बाकी शरीयत की तरफ से इसमें कोई ममानियत नहीं है, आप खा पी सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन तबीयत की नुक्ते नज़र से और तबीयत को देखते हुए आप 10-15 मिनट रुक जाएं, जब रिलैक्स हो जाए जिस्म पूरा और इसका ब्लड बिल्कुल सर्कुलेशन ठीक हो जाए, तो आप उस वक्त खा पी सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है।